हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज हमारी सेवेंथ क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज जो है हमारा छठा और सातवां क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए छठवें क्वेश्चन को हम देखते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं। मतलब अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको 3 अंक मिलेंगे प्लस के, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उत्तर गलत कर दिया, ठीक है, एक उत्तर आपने सही किया, सही उत्तर के आपको 3 अंक मिले, एक उत्तर आपने गलत कर दिया, तो उसमें से आपको 2 नंबर जो है घट जाएंगे। तो अब आपके पास कितने अंक बचे हैं, अगर एक सही और एक गलत करने पे, तो आपका 1 अंक बचा खाली। एक सही करने के बाद भी आपका 1 ही अंक बचेगा, क्योंकि आपने एक उत्तर जो है गलत कर दिया है। अगर आप एक उत्तर गलत करते हो तो -2 अंक हो जाते हैं, मतलब उसमें से 2 अंक जो है सही अंकों में से, सही वाले अंकों में से 2 अंक जो है वो घट जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पे कोई अंक नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप कोई प्रश्न हल ही नहीं करोगे तो उस पे कोई अंक ना मिलेगा ना घटेगा, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों को गलत किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि राधिका ने 20 अंक सही किए हैं, पर उसको जो आंसर, उसके जो उत्तर जो है वो कितने हैं, मतलब उत्तर सही किए हैं 12 अंक आए हैं 20, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, और मोहिनी के तो माइनस में 5 नंबर आए हैं, जबकि उसने उत्तर जो है कितने सही किए हैं, 7 उत्तर सही किए हैं। तो बताने हैं कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो दोनों के बारे में ही गलत उत्तर हमें बताना है। तो चलिए हम पहला वाला पार्ट जो है कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, राधिका के अंक। तो राधिका को कितने अंक मिले हैं, तो राधिका को मिले हैं 20 अंक, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सही उत्तर पर अंक, ठीक है। एक उत्तर सही करता है तो उसपे कितने अंक मिलते हैं, +3 अंक मिलते हैं, ठीक है। कितने अंक मिलते हैं, +3 अंक। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए उसने कितने सही किए हैं, 12 उत्तर सही किए हैं, तो हम ये लिख देंगे, इसलिए 12 सही उत्तर पर अंक। तो 12 अगर हम प्रश्न सही करेंगे तो हमारे कितने अंक बनेंगे जाके, तो हम क्या करेंगे, 12 की 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे 36 अंक हुए जाके। कितने अंक हुए जाके, 36 अंक हुए जाके। पर अभी उसके अंक कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, इसका मतलब उसने गलत क्वेश्चन किए हैं, तभी उसके अंक जो है वो माइनस हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे अतः गलत उत्तर के अंक। अब हम गलत उत्तर के अंक भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 20 में से 36 को माइनस कर देंगे। ये जो हमारे टोटल अंक जो आ रहे हैं उसमें से हमने हमारे जो पहले, मतलब जो सही उत्तरों के अंक आ रहे थे उसको हम घटा देंगे, तो घटा के हमारा क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। मतलब गलत उत्तर के अंक है -16, सही उत्तर के अंक है +36, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, अतः अब हमें गलत उत्तरों के ये अंक आए हैं, हमें गलत उत्तरों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो -16 है, ठीक है, एक गलत उत्तर पर कितने अंक मिल रहे थे, -2, तो हम क्या करेंगे, -16 से ये जो -2 है हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं, गलत उत्तर पर अंक, गलत उत्तर, एक गलत उत्तर पर अंक। तो गलत उत्तर पर अंक मिलता है -2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, -2 से भाग कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 8 16, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब गलत उत्तरों की संख्या जो है कितनी है, 8 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पहला वाला आंसर जो है वो हमारा आ चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है।
तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है, -5 अंक प्राप्त करती है, ठीक है, मौन मोहिनी। तो सही उत्तर जो है 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहिनी, मोहिनी के कुल अंक। तो मोहिनी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने देखा मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोहिनी, ठीक है, मोहिनी के सही उत्तरों की संख्या, ठीक है, उत्तरों की संख्या। तो इन्होंने संख्या बताई है 7, तो हम यहाँ पे इसलिए लिख देंगे, इसलिए मोहिनी के सही उत्तरों के अंक। तो ये सही उत्तर है उनके कितने अंक बने जाके, हम क्या कर देंगे, 7 × 3 कर देंगे। 3 क्या है, एक सही उत्तर पर अंक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 अंक आ रहे थे उसके सही उत्तरों के, पर उसने गलत ज्यादा कर दिए होंगे इसलिए माइनस में पहुंच गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक गलत पर अंक, एक गलत अंक, एक गलत उत्तर पर अंक हमारा कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते, अतः रहने देते हैं लिखने को, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि मोहिनी के गलत उत्तर, ठीक है, मोहिनी के गलत उत्तर के अंक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे कुल अंक कितने हैं, -5, उसमें से हम सही वाले जो अंक हैं उनको घटा देंगे। तो -21 हमारे सही वाले अंक हैं, उसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, -5, माइनस माइनस की गुणा हमारी हो गई है प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्लस का 21 था, माइनस का 21 नहीं था, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा, इसको यहाँ पे सही से लिख देते हैं। हम क्या कर देंगे, सही उत्तर में से ये वाला जो है वो घटा देंगे, ये वाला उत्तर, तो ये हमारा हो जाएगा -26 अंक हो जाएंगे, मतलब उसके जो गलत उत्तरों के अंक है वो -26 बन रहे थे, और सही उत्तरों के अंक बन रहे थे 21, सभी इनको जब घटाया तो -5 आ रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए मोहिनी के गलत उत्तरों की संख्या, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, -26 जो है उसको हम भाग दे देंगे -2 से। एक गलत उत्तर पंक कितना है, -2, माइनस से माइनस हमारा कट गया, भाग काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गलत उत्तरों की संख्या बराबर 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, हमारे ऐप का नाम है जोजस स्टडी। और आपको क्या करना है, अब अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अभी के अभी ही आपको अपने दोस्त लोगों को और क्या बोलते हैं, शेयर कर देना है, ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर कर देना है, जरूर कर देना है, समझ लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा दूसरा चैनल है जोजस बेसिक मैथ, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां अगर आपको मैथ से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होगी, इतनी बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इस चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिकी मैथ भी सिखाई जाती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, ठीक है। खान कूपक मान लो ये जो है वो हमारी क्या है, खान है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी क्या है, खान है। ये जमीन के अंदर इस तरीके से ये जा रहा है कोई आदमी, ठीक है, ये जमीन है हमारी,
ठीक है, जमीन भी अच्छे से बना देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए मजा आता है। ठीक है, ये जमीन है हमारी इस तरीके से ये, ठीक है, और ये हमारा खान है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से कोई कोई इंसान है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, मान लो यहाँ के बीच की दूरी 6 मीटर, 6 मीटर है, और 1 मिनट में एक इंसान कितना जा रहा है, प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है इस तरीके से। फिर 1 मिनट हुआ तो कितना जा रहा है, 6 मीटर जा रहा है। फिर कह रहे हैं यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है, ये कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो नीचे जो जाना डिसाइड हुआ है वो जमीन तल से नहीं हुआ है, जमीन तल से 10 मीटर ऊपर। तो हमने क्या किया है, एक बाउंड्री टाइप में बना लिया, इस जमीन तल से 10 मीटर ऊपर तक हमने क्या किया है, उसको ऊपर तक बना लिया एक कुआं टाइप में। ये जो हमारी हमारी टोटल दूरी है इन्होंने बताई है 10 मीटर की बताई है। ठीक है, यहां से कोई इंसान जो है वो हमारा यहाँ पे घुसने वाला है, ठीक है, यहां से घुसेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं तो -350 पहुंचने में कितना मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये टोटल जो है, टोटल नहीं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है इन्होंने बताई है -350 मीटर। अब ये बात आती है कि दूरी तो हमारी माइनस में होती नहीं, तो माइनस में क्यों बोला है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस वजह से ये नीचे जा रहा है, इस वजह से इसको का क्या बोला गया है, माइनस में बोला गया है। ठीक है, ये जो दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी दी गई है जमीन से लेकर गड्ढे तक की दूरी थी, माइनस का 350 दी गई है, पर इन्होंने कुछ दूरी और बताई है 10 मीटर की, जो हमने ऊपर बाउंड्री टाइप में बनाई है उसके ऊपर से इंसान घुस रहा है, तो 10 मीटर की दूरी ये घुस जाएगी। टोटल दूरी की बात करेंगे तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, 350 और 310 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यही बातें जो हमने आपको बताई है हमको हमको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भूमि तल से नीचे जाने की दर, तो ये हमारी दर कितनी दी गई है, 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये हमारी दी गई है। फिर ये कह रहे हैं नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, और -350 पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें -350 तक जाना है, यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, माइनस के 350, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे कुल तय की जाने वाली दूरी, तय की जाने वाली दूरी। ठीक है, तो वो ये नीचे जाने वाली दूरी क्या हो जाएगी, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जा रहे हैं, माइनस का 350 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, और हमें -10 और नीचे जाना है, ऊपर से हम जब स्टार्ट करेंगे -10 एक्स्ट्रा और है, तो वो भी हम -10 यहाँ पे जोड़ देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कुल तय की जाने वाली जो दूरी है तो वो हमारी टोटल हो जाएगी -360 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी, और दूरी हम जानते हैं, हमें तो दूरी तय करना है, तो इस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, लिखने में हमें माइनस की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको 360 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी जो होती है, वैसे तो हम जानते हैं दूरी हमारी कभी भी तय, जो हम दूरी करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दिया है, पर हमको पता है कि हमको नीचे जाना है, तो जब इसको बोलेंगे तो -350 बोलेंगे, पर लिखने में ही हम इसको नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं, तो इतना हमको पता चल गया। तो इन्होंने कहा है पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमको पता है कि 1 मिनट नहीं, हम 6 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मीटर में लगा, 6 मीटर जाने में लिख देते हैं, अरे यार बार बार गड़बड़ हो जाता है तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। ठीक है, तो इन्होंने बताया था 1 मिनट लगता है 6 मीटर जब हम जाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए
1 मीटर नीचे जाने में लगा समय, तो क्या कर देंगे, ये जो 1 है इसके बटे में इस 6 को कर देंगे, तो हमारा 1/6 मिनट लगेगा। अब हमारे पास कितने मीटर है टोटल, 360 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 360 मीटर नीचे जाने में लगेगा समय बराबर, ये जो 1/6 है इसकी गुणा हम 360 से कर देंगे। ठीक है, 360 से कर देंगे, काट देंगे 6 कम 6, 6 6 36 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 60 मिनट आ रहा है। 60 मिनट को ही हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः नीचे जाने में 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, लिख दिया, लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे और इसको हम बंद कर देंगे ब्लॉग में। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।